छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बजट दूरदृष्टि और दृढ़ निश्चय का बजट है। ये सबका सबके लिए और सबके विकास का बजट है। सीएम ने कहा कि इस बजट में कृषि और रोजगार पर सबसे अधिक ध्यान देना ऐतिहासिक बनाता है। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे विशेष बात यह है कि जहां पे 1.52 लाख करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के लिए रखे गए हैं, तो वहीं कृषि क्षेत्र का ऐतिहासिक पैकेज देश में एक नई हरित क्रांति लाकर किसानों को समृद्धि बनाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि जनजातीय उन्नत ग्राम योजना लॉन्च हुई है, इससे जनजाति समाज के 63,000 गांव और 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का दायित्व संभाले हैं और उनके तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट देश के संसद में प्रस्तुत हुआ है। हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती सीता निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है और ये बजट वास्तव में बहुत ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में चूँकि हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है और कृषि और रोजगार के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए विशेष बात है कि कृषि और रोजगार के क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपये बजट में प्रावधान किया गया है और इससे निश्चित रूप से कृषि और रोजगार के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी, किसानों में समृद्धि बढ़ेगी। उसी तरह से जनजातीय उन्नत ग्राम योजना लॉन्च हुआ है, जनजाति समाज के 63,000 गांव और 5 करोड़ लोगों को इससे फायदा होने वाला है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में एक क्रांति इससे आएगी। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का भी इस बजट में ख्याल किया गया है और उस दौरान उनको 5,000 रुपया प्रति महीना देने का भी प्रावधान बजट में है और छात्रों को 10 लाख तक लोन मात्र 3% में देने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। रोजगार कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ का स्कीम इस बजट में रखा गया है और 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए इस बजट में प्रस्ताव है। इससे निश्चित रूप से गांव, गरीब, किसान, मजदूर का भला होने वाला है और कुल मिलाकर ये बजट आने वाला 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का ये बजट है।